और ये कोई उपलब्धि नहीं बता रहे हम कल नहीं पढ़े थे, रीजन बताना चाहिए क्यों नहीं पढ़े थे। चलिए, भारत में मुगल वंश की स्थापना मतलब संस्थापक जो था बाबर था, ठीक है। अब बाबर की बात करेंगे या फिर पूरे मुगल की बात करेंगे, तो पिता की ओर से जो थे चगताई तुर्क, माता की ओर से मतलब मंगोल वंश से संबंधित थे, ठीक है। माता की ओर से मतलब ये थे मंगोल थे, जो कि पिता की ओर से मतलब क्या था तुर्क थे। लेकिन उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में स्वयं को अपनी माँ के वंश मानने पर जोर दिया, इसलिए उनके द्वारा स्थापित वंश तो मुगल कहलाया, ठीक है। ध्यान रखेंगे, तो पिता के वंश को इन्होंने नहीं माना था, ठीक है। किसने वंश को माना था? माता के वंश को माना था। तो माता जो थी मंगोल की तरफ से थी, तो मंगोल शब्द से ही बना मुगल बना, ठीक है। अब बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बावरनामा बाबरनामा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? टर्किश तुर्की भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। बाबर का जन्म की बात करें कब हुआ था, ठीक है, 1483 में। मृत्यु की बात करेंगे 1530 में, ठीक है। बाबर का मूल नाम क्या था? सभी लोग बोलेंगे, इसे नींद नहीं आएगा, क्या जहीरुद्दीन जहीरुद्दीन नाम था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है, ध्यान मोहम्मद रखेंगे। इसका जन्म कहाँ हुआ था? फरगना में परगना में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा कुतुब कुतलुग निगार निगार, ठीक है, ध्यान रखें। कुतलुग निगार जो था माता का नाम था, ठीक है। 1504 ईस्वी में किस स्थान पर विजय प्राप्त करने के बाद, काबुल ठीक है, काबुल पर विजय प्राप्त करता है। काबुल पर विजय कब प्राप्त किया? तो 1504 में, ठीक है। बाबर ने पहली बार तैमूरी परंपरा के विरुद्ध बादशाह की उपाधि धारण की, ठीक है। तैमूरी परंपरा के विरुद्ध उपाधि धारण की, बादशाह की, बादशाह को उपाधि धारण नहीं किया जाता था मुगलों में। इसके उदारता के कारण क्या कहा गया? कलंदर कहा गया, ठीक है, ध्यान रखें। क्योंकि जब ये काबुल पे जब विजय प्राप्त करता है, तो काबुल के नदी के चांदी का शाहरुख तथा कंधार में बाबरी नामक सिक्का चला है, ठीक है। जब ये काबुल पे विजय प्राप्त करता है, काबुल के प्रत्येक नागरिक को बुलाकर एक एक चांदी का सिक्का देता है, ठीक है। तो उसके बाद अपने आप से उदारता के कारण उसने एक उपाधि धारण कर ली, कलंदर की उपाधि, ठीक है। तो बाबर ने काबुल में जो चांदी का जो सिक्का चला, तो उसका नाम क्या था? शाहरुख था। क्या था? शाहरुख था। शाहरुख क्या था? शाहरुख सिक्का का नाम था। किस प्रकार के सिक्का थे? किस मेटल के सिक्का थे ये? चांदी ध्यान रखें, चांदी का सिक्का थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चांदी के सिक्के पे ध्यान में रखें। इसने मतलब कंधार में कौन सा सिक्का चलाया? बाबरी नामक कंधार सिक्का में चलाया, ठीक है। उसके चांदी के सिक्के पर एक तरफ कलमा और चारों खलीफाओं का नाम तथा दूसरी ओर बाबर का नाम एवं उसकी उपाधि अंकित थी। बाबर ने कलमा तुर्की सर भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी, ठीक है। कलमा सर कलमा क्या होता था? कुरान कलमा क्या होता है? इस्लाम में कलमा पढ़ा जाता है, ठीक है, धार्मिक शब्द है कलमा, ठीक को है, कुरान में, ठीक है। देखेंगे, बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। आत्मकथा का नाम क्या है? तुझी के बाद भी लेकिन मुगलों की मतलब राजकीय भाषा क्या थी? मैं फारसी अनुवाद किसने किया, अब्दुल रहीम खाने खाना ने रहीम ठीक है। खाने पिता की खाने मृत्यु हो गई, कब हो गई? 1494 में और जो था, ठीक है, कितने वर्ष की आयु में फरगना का शासक बना? में जन्म हुआ था 1194 में, 11 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बन जाता है, ठीक है। इतना क्या सोचना है? चलिए, फरगना में अपनी सुदृढ़ करने के बाद वो तैमूर की राजधानी समरकंद को जीतना चाहता था, जो उसके चाचा अहमद मिर्जा के अधिकार में था। तैमूर की राजधानी जो थी समरकंद को जीतना चाहता था, जो कि उसके चाचा अहमद मिर्जा के अधिकार में था। सर ए पुल एक युद्ध हुआ था, सर ए पुल, ठीक है। ये युद्ध काफी मतलब इंपोर्टेंट युद्ध है, ठीक है। इस युद्ध से बाबर को सीख मिली थी आगे भी। एक युद्ध हुआ था सर ए पुल, ठीक है, सर ए पुल से, ठीक है। ऐतिहासिक में सौवानी खान ने बाबर के विरुद्ध उपजेगों की युद्धनीति तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया। सौवानी खान, ठीक है, सौवानी खान जो था, इससे हमेशा इसकी लड़ाई होती रहती थी, ठीक है। सौवानी खान से, ठीक है, बाबर ने अपनी बहन की शादी भी की थी, ठीक है। तो इसी युद्ध में, ठीक है, उपजेगों की, ठीक है, इसी युद्ध, माइक इनका एक होना बंद कीजिए माइक। सर ए पुल के ऐतिहासिक युद्ध में सौबानी खान बाबर के विरुद्ध, ठीक है, उज्बेगों की युद्धनीति तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था। किसने प्रयोग किया था? सौबानी खान ने प्रयोग किया था बाबर के विरुद्ध। यही उज्बेगों की युद्धनीति तुलगमा युद्धनीति को पानीपत के लड़ाई में मतलब प्रयोग करता है बाबर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1504 में काबुल पर आक्रमण किया था बाबर और काबुल को जीत लिया था। तैमूरी परंपरा के विरुद्ध मिर्जा की उपाधि की जगह बादशाह की उपाधि धारण की थी, ठीक है।
इसके पिता जो थे उमर शेख मिर्जा थे। तो अभी तक जो बाबर के जो खानदान में जो उपाधि जो धारण किया जाता था, कौन सी उपाधि होती थी? तैमूरी उपाधि का नाम क्या था? मिर्जा था। लेकिन बाबर ने कौन सी उपाधि दी धारण की? फादशाह या फिर बादशाह। ठीक है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1519 में किया। उन्नीस किस पे आक्रमण किया? बाजोर पे किया। ठीक है, किस पे आक्रमण किया? बाजोर पे आक्रमण किया। में ठीक, उसी आक्रमण में उसने भेरा के किले को जीता। इस किले को जीतने पे उसने सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किया था। भेरा को किला जीता था पहली बार बाजोर आक्रमण में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 पंद्रह अप्रैल इक्कीस पंद्रह अप्रैल सौ पंद्रह सौ छब्बीस छब्बीस को हुआ। में ठीक है, इस युद्ध में किसकी विजय हुई? बाबर बाबर की। बाबर के बाबर की विजय होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इस युद्ध में बाबर का विजय का मुख्य कारण क्या था? तोपखाना और साथ में कुशल सेनानीतित्व। ठीक है, तोपखाना एवं सेनापति कुशल सेनापतित्व। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। यही तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग अभी बाबर पे किसने किया था? देखता खान उस्मानी ने। ठीक है, तोपों को सजाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया? उस्मानी विधि का उज्बेक का युद्ध नीति तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। तोपों को सजाने के लिए उस्मानी विधि का प्रयोग किया। उस्मानी विधि किसकी विधि थी? उस्मान में तुर्कों क्या की। किसकी था विधि थी ये? तुर्कों की। ठीक है, तुर्क और पानीपत के प्रथम युद्ध तोप खाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफा खान में दो की योग्य तुर्की अधिकारी कर रहे थे। ये तुर्की अधिकारी थे। क्या नाम था इसका? नाम पूछता है। ठीक है, उस्ताद अली और उस्ताद मुस्तफा खान दोनों का अली नाम ध्यान रखिएगा। क्या नाम मुस्तफा है? अली और मुस्तफा खान दोनों को दोनों तुर्की अधिकारी थे। क्या तोप खाना का नेतृत्व यही दोनों संभाल रहे थे। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मतलब क्या होता है? हार जाता है। ठीक है, हारने के बाद मतलब युद्ध भूमि में मारा भी जाता है। ठीक है, तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत का ये आखिरी शासक था और पहला शासक था जिसने मतलब क्या हुआ, युद्ध भूमि युद्ध में भूमि मारा में गया। मारा ठीक है, भी इस युद्ध में के विजय के बाद, ठीक है, उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया। और इसी के बाद इसने उदारता के कारण मतलब कौन सी उपाधि धारण कर ली? जाता कलंदर की उपाधि धारण कर लिया। काबुल को बाबर ने कब जीता था? काबुल को बाबर ने में चार 1504 में में जीता था। ठीक है, अब आते हैं 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच खनवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा की ओर से हसन खान मेवाती, महमूद लोदी, आलम खान लोदी तथा मेदिनी राय ने भाग लिया था। लेकिन फिर भी इस युद्ध में बाबर जो था विजयी हुआ। ठीक है, तो पानीपत के युद्ध के बाद कौन सा युद्ध? खनवा का युद्ध। ठीक है, अब खानवा चलेंगे कहाँ चलेंगे? अब खानवा का युद्ध जो हुआ था बाबर का किसके था? हिंदू शासक के विरुद्ध था ना। ये पहला संगा वाला, पहला वाला लड़ाई तो इस्लाम के विरुद्ध था, लेकिन इब्राहिम पहला वाला लोदी इस्लाम शासक के बाद, लेकिन दूसरा वाला लड़ाई जो था हिंदू शासक राणा सांगा के विरुद्ध था। इसलिए खनवा के युद्ध में इसने नारा दिया। क्या चीज का नारा दिया? तो इसने धार्मिक नारा दिया, जिहाद का नारा दिया। अगर जिहाद पूछेगा इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया, जिहाद होता है ना धर्म के लिए लड़ना। ठीक है, धर्म के लिए लड़ना इसको बोले थे। हिंदू के विरुद्ध था इसलिए इसने जिहाद का नारा दिया। मुसलमानों पर लगने वाला तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया। ठीक है, मुसलमान को प्रसन्न करने के लिए तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया। और यहाँ पे इसने मतलब कौन सी नारा दिया? ध्यान में रखे, किस क्या नारा जिहाद दिया? तो इसने जिहाद का नारा जिहाद दिया कि का सामने वाला शासक कौन था? सामने वाला शासक कौन था? हिंदू था। ठीक है, हिंदू इसी युद्ध के विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। वाला गाजी को उपाधि उपाधि धारण किया। गाजी का उपाधि का मतलब धर्म का रक्षक। क्या होता है? धर्म का रक्षक। ठीक है, अब आते हैं 29 जनवरी 1528, बाबर, रिपीट मत कीजिए, बाबर और मेदनी राय के बीच में मतलब कौन सा युद्ध हुआ? चंदेरी का युद्ध। तो पहले पानीपत का युद्ध, उसके बाद खानवा का युद्ध, जो कि किस खानवा के युद्ध किसके विरुद्ध? राणा संगा के विरुद्ध। चंदेरी का युद्ध किसके विरुद्ध? चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ। ठीक है, ध्यान, इस युद्ध में भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया तथा ध्यान में रखेंगे इस युद्ध में राजपूताना स्त्रियों ने जौहर वर्त किया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो पानी, पानीपत, खानवा, चंदेरी हो गया। आप चलेंगे कहाँ? घाघरा चलेंगे। ठीक है, 5 मई, ठीक है, 5 मई 1529 में बाबर अफगानों के पीछे घाघरा का युद्ध हुआ। परिणाम तब बाबर विजयी हो गया। ध्यान में रखिए, मध्य युगीन का घाघरा का युद्ध पहला युद्ध था जो कि जल और थल दोनों पे लड़ा गया था। ठीक है, तो जल में भी लड़ा गया, थद में भी लगाया गया। ठीक है, मेडिवल इंडिया का पहला युद्ध था जो कि जमीन पे भी लड़ा गया और पानी में भी लड़ा गया। कौन सा युद्ध था? घाघरा का युद्ध था। ठीक है, ध्यान रखें, कब हुआ? 5 मई 1529 को। ठीक है, इस युद्ध में बाबर जो था विजयी होता है और बाबर का ही आखिरी युद्ध था क्योंकि 1 साल के बाद 1530 में बाबर की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, इस युद्ध के बाद बाबर को भारत पर स्थायी रूप से अधिकार हो गया। अब उसके साम्राज्य की सीमा सिंधु से लेकर बिहार तथा हिमालय से लेकर ग्वालियर तक फैल गया था। ठीक है, 26 दिसंबर 1530 को आगरे में
बाबर की मृत्यु हो गई, उसे आगरा के नूर अफगान में दफनाया गया, जिसको आराम बाग बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आराम बाग में दफनाया गया, ठीक है। लेकिन बाद में इसको इसको कब्र कब्र को बोलते मतलब हैं? क्या हो जाता है, अकबर के शासनकाल में क्या होता है, इसके कब्र को इसके पसंद वाला काबुल जगह में पे, ठीक जाते हैं। है, काबुल में जाके दफना दिया जाता है, ठीक है, किसके शासनकाल में, तो अकबर के शासनकाल में। मृत्यु कैसे होता है सर? इसे वो घोड़ा पर गिर कर मृत्यु नहीं, नॉर्मल होता डेथ होता है, घोड़ा उड़ा से नहीं गिरता है, ठीक है, घोड़ा से गिरकर मृत्यु होती है इसका, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़ा से गिरने से मृत्यु होती है। है? अच्छा, जवान खेलते समय ठीक है, कहते हैं सो हुमायूं बहुत ज्यादा बीमार था, हुमायूं से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, ठीक है, लेकिन बाद में बोला गया सो हुमायूं जीवित तभी रहेगा जब, मतलब क्या होगा, मतलब हुमायूं का तबीयत को ठीक करना है, तो ऐसा कहते हैं, मतलब लिखा हुआ है एक दूसरी जगह, तो बाबर को बोला गया से अगर हुमायूं जीवित रहेगा तो आपको मतलब क्या होगा, मरना होगा, ठीक है, इसी कंडीशन में मतलब क्या होता है, हुमायूं तो बच जाता है लेकिन बाबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, कुछ ऐसा ही कुछ है, लुकिकती या फिर कहावते कह लीजिए, ठीक है, क्योंकि हुमायूं का सर प्राण बोला था बचाने की बाबर वजह से उसकी कि मृत्यु। भारतीय मरना जानते थे परंतु लड़ना नहीं। भारतीय, हाँ, बाबर लिखे हुआ है अपनी किताब, बहुत कुछ लिखे हुआ है, ठीक है, बाबर लिखे हुआ है उस समय का समकालीन सबसे शक्तिशाली था कृष्णदेवराय थे, ठीक है, भारत में दो चीज अभी साफ है, जिसने भारत का जो लूट जो चलती थी, लू जो गर्म शीतलहरी जो होती थी, उस हवा को मतलब उसने अभिशाप बताया है, ठीक है, धूल भरी हवा को अभिशाप बताया, तो बाबर नामा में बहुत कुछ मतलब लिख कर गया है, ठीक है, ये सारे के सारे बाबर की कहानी थे। बाबर ने कितने युद्ध लड़े बताइए, तीन युद्ध कितने रहे सर, सब मिला के 5 हो जाएगा सर। 4 लड़े, ठीक है, बोलिए पानीपत, आप। पानीपत, 5 खानवा, चंदेरी, चंदेरी हाँ चंदेरी घाघरा, 1530 में मृत्यु हो गई, ठीक है। भारत में पहला आक्रमण कब हुआ बाबर का? 1519 में 1519 में हुआ, ठीक है, कहाँ पे आक्रमण किया, बाजोर पे आक्रमण बाजोर करता है, ठीक है। बाजार बात करेंगे तैमूरी परंपरा के अनुसार कौन सी उपाधि धारण करने की परंपरा थी, मिर्जा मिर्जा की उपाधि थी, बाबर ने कौन सी उपाधि धारण किया, ध्यान पातशाह की पे कौन सी उपाधि धारण किया, पादशाह की उपाधि धारण किया, पातशाह ठीक है, ध्यान रखेंगे, हाँ ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है, आप चलते आगे, ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई किस तारीख को हुई, 21 अप्रैल 1526 किस युद्ध के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक नागरिक को मतलब एक शाहरुख सिक्का दिया, चांदी का सिक्का, पानीपत की खानवा प्रथम, के नहीं, बाद पानी पानीपत के प्रथम लड़ाई पे खानवा के बाद, बताइए, खानवा खानवा की लड़ाई के बाद दिया था, किसने दिया था, खानवा खाना ही, खानवा, वही ठीक तो है। बाबर ने जिहाद का नारा खानवा पहली बार किस युद्ध में दिया था, तो दिए खानवा खानवा के युद्ध में, ठीक है। अब चलेंगे हुमायूं, ठीक है, हुमायूं बाबर का पुत्र कौन हुआ या फिर बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ, हुमायूं हुमायूं, हुमायूं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्या हुआ, हुमायूं, ठीक है। अब हुमायूं जो बाबर का उत्तराधिकारी है उनके बारे में देखें, हुमायूं करमान अस्करी हिंदाल, ठीक है, ये बाबर के क्या थे, चार चार पुत्र थे, पुत्र ठीक थे है, चार उनको थे पुत्र हुमायूं थे, कामरान करमान मिर्जा था, अस्करी हिंदा अश्करी था, हिंदाल था, ये बाबर के क्या थे, चार पुत्र। इनमें हुमायूं सबसे बड़ा था, जिसे बाबर ने अपने मृत्यु से पूर्व अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, ठीक है, लेकिन हुमायूं जो था बेईमान नहीं था, ठीक है, जब शासक तो बनता है अपने भाइयों में मतलब क्या करता है, सत्ता का बंटवारा कर देता है, ये पहला ऐसा शासक था जो कि भाइयों से कोई बेईमानी नहीं किया, सारे भाइयों को अपने सत्ता में क्या किया, दे दिया, लेकिन उसके भाई से बड़े नमक हराम थे, बाद में हुमायूं को कोई साथ नहीं देता है, ठीक है। देखिए इन चार कुत्ते में हुमायूं का जन्म माहम सुल्तान से हुआ था, किससे हुआ था, किससे हुआ था, हुमायूं का माहम जन्म किससे हुआ सुल्तान था, माहम सुल्तान से हुआ सिंह था, कमरान एवं अस्करी का जन्म हुआ था गुलरुख बेगम से हुआ था, कामरान एवं अस्करी का जन्म किससे हुआ था, गुलरुख बेगम से हुआ था, तथा खान हिंदाल का जन्म किससे हुआ था, दिलदार, दिलदार अगाची के जन्म गर्भ से हुआ था, ठीक है, ये तीनों के तीनों जो थे माए थे, चार बच्चे थे, ठीक है। हुमायूं का पूरा नाम क्या था, नसुद्दीन मोहम्मद था, क्या नाम था, हुमायूं का पूरा नाम क्या था, नसुद्दीन मोहम्मद था, ठीक है, मोहम्मद और जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म इसका काबुल में हुआ था, काबुल ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। मौलाना मसीह अल दीन रूहुल्ला हुमायूं इलियास,
ठीक है, ध्यान रखेंगे, मौलाना मसीह उल दीन राहुल्ला और मौलाना इलियास हुमायूं के शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए थे। कौन कौन थे? मौलाना इलियास और मौलाना मौलाना है रूहुल्ला, याद कर लीजिए, रूहुल्ला। रूहुल्ला और मौलाना इलियास कहते हुमायूं के शिक्षक थे। हुमायूं जो था तीरंदाजी एवं घुड़सवारी में माहिर था। 12 वर्ष की अवस्था में उसे बदखशां के प्रशासन की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया। पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करेंगे तो उसने बाबर की सहायता की थी और इस कार्य से प्रसन्न होकर बाबर ने कोहनूर हीरा भेंट किया तथा संबल की जागीर प्रदान की। इस कार्य से प्रसन्न होकर बाबर ने कोहनूर हीरा मतलब किसे भेंट किया था? हुमायूं को किया था तथा संबल की जागीर भी प्रदान कर दी थी। अपनी मृत्यु से पूर्व बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 30 दिसंबर 1530 को आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है, बाबर के मरने के बाद। हुमायूं मुगल शासकों में एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया था। वही बात मैं बता रहा हूँ, काफी मतलब दयालु शासक था हुमायूं, ठीक है। इसके पूरे कार्य को पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा ये व्यक्ति जो था काफी दयालु था। हमको नहीं लगता इतिहास में इतना कोई दयालु शासक रहा होगा। भाइयों के साथ भी न्याय किया था और ये शेर शाह सूरी से पराजित हुआ या फिर शेर शाह सूरी इनको बार बार पराजित हुआ, सबसे बड़ा रीजन यही था। ये बहुत ही मतलब बेवकूफी भरा काम करता था। कई बार शेर शाह सूरी को पराजित कर सकता था लेकिन छोटा मोटा समझौता करके शेर शाह सूरी बहुत अच्छे तरीके से निकल जाते, जैसे चुनार के किला के संदर्भ में हुआ। चुनार के किला को महीनों तक ही घेरा रखा और जब चुनार के किला के अंदर जब पूरा संसाधन समाप्त हो गया तो शेर शाह सूरी जब बाहर निकले तो उनसे लड़ाई नहीं किया, ठीक है। शेर शाह सूरी बहुत ही चालाकी से संधि करके वहां से निकल जाता है, ठीक है। यही कारण था से आगे चल के 15 वर्षों तक भारत से मतलब इस सत्ता से मतलब बाहर रहता है, ठीक है। तो मुगल में, ठीक है, हुमायूं पहला शासक था जिसने मतलब क्या किया, अपने भाइयों के साथ मतलब क्या किया, सत्ता का मतलब क्या किया, बंटवारा किया, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसा कोई भी शासक नहीं हुआ आगे चल के। तो मतलब क्या हुआ, सारे शासक आपस में लड़ते ही रहे। इसीलिए मतलब क्या होता था ना, मुगल अपने अपने बेटियों की शादी भी नहीं करते थे। बहुत रेयर केस में ही मतलब क्या होता था, इनका बेटियों का शादी होता था, क्योंकि भाई ही आपस में लड़ते रहते थे, बेटी के शादी करने का दामाद आ जाएगा तो और भी मतलब सत्ता के लेकर मतलब जाएगा। इसलिए मुगल राजकुमारी के विवाह नहीं होता था, ठीक है। बहुत रेयर केस में कुछ का हुआ, ज्यादातर का नहीं हुआ, ठीक है। आप देख, काबुल एवं कंधार किसे दे दिया? कमरान को। कमरान को क्या दे दिया इसने बंटवारा करके? काबुल एवं कंधार। अफगानिस्तान वाला हिस्सा किसे दे दिया? हिंदान कमरान मिर्जा को, ठीक है। अस्करी को संभल दे दिया, हिंदान को अलवर दे दी, ठीक है। हिंदाल को अलवर दे दिया, अस्करी को संभल दे दिया, कामरान को दे दिया काबुल एवं कंधार। हुमायूं का समकालीन अफगानी नेता कौन था? शेर खान था, ठीक है। शेर शाह उनका दूसरा विरोधी शासक गुजरात का बहादुर शाह, ठीक है। गुजरात का बहादुर शाह और शेर शाह बिहार के अफगान शासक दोनों जो थे हुमायूं के विरोधी थे। हुमायूं के राजत्व काल में उसका अफगानों से पहला मुकाबला 1532 में दोहरिया नामक स्थान पे हुआ, ठीक है। दोहरिया नामक स्थान दोहरिया के युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस युद्ध में, ठीक है, अफगानों का नेतृत्व महमूद लोदी कर रहा था। इस युद्ध में हुमायूं जो था विजेता हुआ। ये भी पूछा जाता है दोहरिया का युद्ध कब हुआ तो क्या बताएंगे? दोहरिया के युद्ध 1532 में। एक बार और बोलिए, दोहरिया के युद्ध कब हुआ था? 1532। मुगल और अफगान के बीच में था, अफगान का नेतृत्व कौन कर रहा था दोहरिया के युद्ध में? महमूद लोदी कर रहा था। कौन कर रहा था? महमूद लोदी कर रहा था। इस युद्ध में विजेता कौन रहा क्या बताएंगे? हुमायूं जो था इस युद्ध में विजेता रहा, ठीक है। 1532 में बहादुर शाह ने रायसीना के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया तथा मेवाड़ को संधि करने के लिए विवश किया। इसके अतिरिक्त बहादुर शाह ने तुर्की के प्रसिद्ध तोपची रूमी खां की सहायता से एक अच्छा तोपखाना तैयार कर लिया, ठीक है। अब देखो, 1532 में बहादुर शाह ने रायसीना के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया एवं मेवाड़ को संधि करने के लिए विवश किया। इसके अतिरिक्त बहादुर शाह ने हुमायूं के विरुद्ध अपने शक्ति को मजबूत करने के लिए तुर्की के प्रसिद्ध तोपची रोमी खां की सहायता से एक अच्छा तोपखाना तैयार कर लिया। हुमायूं के सिंहासन रूढ़ होने के समय शेर खां दक्षिण बिहार तथा चुनार दुर्ग का अधिकार कर लेता, जिसके बारे में थोड़ा देर पहले कहानी सुनाया। चुनार दुर्ग की दुर्ग को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, ठीक है। शेर खान को दबाने के लिए हुमायूं ने चुनारगढ़ पे 1538 में दूसरा घेरा डाला और किले पे अधिकार कर लिया, ठीक है। ध्यान रखेंगे, हुमायूं बंगाल पहुंचे और गौड़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। बंगाल पर अधिकार करके उसने वहां का प्रशासनिक व्यवस्था तथा गौड़ का नाम बदलकर जनताबाद रख दिया। पूछता है एग्जाम में, ठीक है। गौड़ जो था बंगाल पे जब गया, हालांकि बंगाल पे जब ये दुर्ग पे आक्रमण करता है इसको कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि शेर शाह सूरी ऑलरेडी पहले बंगाल को लूट चुके होते। जब उस शेर शाह सूरी जब बंगाल लूट के जब लौट रहे होते तो हुमायूं जा रहा होता तो किला पे अधिकार तो कर लेता लेकिन उसको मिलता कुछ नहीं है, ठीक है। अब शेर शाह सूरी जो था पे काफी बारिश का मौसम था तो डायरेक्ट शेर शाह बंगाल में इससे न लड़के इसे बिहार में लड़ेंगे, ठीक है। तो शेर शाह सूरी बंगाल को लूट कर लौट रहे थे तो हुमायूं बंगाल पहुंचा
और उसने किला पे कब्जा कर लिया, गौर का नाम बदल के जनाताबाद रख दिया। अब फिर शेरशाह सूरी आगे आ गया, पीछे पीछे हुमायूं आया, दोनों के बीच में मतलब क्या होगा, बंगाल से लौटते के समय हुमायूं शेर खां के बीच में बक्सर के निकट चौसा के नामक स्थान पे 29 जून 1539 को युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं बुरी तरह मतलब क्या हो गया, इस युद्ध में हार गया। ठीक है, हालांकि 1538 में हुमायूं के पास बहुत अच्छा मौका था से मतलब वह चाहे तो शेरशाह सूरी को पराजित करता अपने शर्तों पे मतलब संधि करता, लेकिन 1538 में शेरशाह सूरी बहुत ही बहादुरी से ठीक है हुमायूं से निकल लेते हैं, चुनार के किला भी छोड़ देते हैं। ठीक है, हालांकि चुनार के किला के एवज में शेरशाह सूरी चाहता था इसको, हुमायूं चाहता था अधिकार कर लेता है, क्योंकि काफी लंबा समय से किला के अंदर थे शेरशाह, अंदर पूरा मतलब व्यवस्था समाप्त हो चुका था, लेकिन यहाँ पे इस चीज से वो नहीं अच्छे तरीके से कर पाता। शेर खां बहुत ही मतलब चालाकी से मतलब हुमायूं से संधि करने को तैयार हो जाता है। फिर 1 साल के बाद मतलब होता है आपका चौसा के युद्ध, इसमें शेरशाह बुरी तरीके से सॉरी हुमायूं बुरी तरीके से पराजित होते हैं। आप चलेंगे चौसा के युद्ध में विजय के बाद शेर खान ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया तथा शेर शाह की उपाधि धारण की चौसा के युद्ध के बाद। फिर अगला युद्ध 1540 में था हुमायूं एवं शेर शाह के बीच में, जिसको बोलते हैं बिलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध बोलते हैं इसको, कौन सा युद्ध बोलते हैं, बिलग्राम के युद्ध। इस युद्ध में शेर शाह विजयी हुआ था, हिंदुस्तान की सत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथ में आ गई। ठीक है, अपने निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंडाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानू बेगम से विवाह किया था, और इन्हीं के गोद से अकबर का जन्म हुआ था 1556 में। कब हुआ था अकबर का जन्म, सॉरी 1542 में, कब हुआ था अकबर का जन्म, 1542 में ठीक है, जब भारत छोड़ने के लिए विवश कर रहे थे शेरशाह सूरी, तो अपने निर्वासन के दौरान में ठीक है हुमायूं ने हिंडाल के गुरु, हिंडाल जो इसका भाई था उसका गुरु जो था मीर अली अकबर ठीक है की पुत्री हमीदा बानू बेगम से विवाह किया, इन्हीं के गर्भ से मतलब अकबर का जन्म हुआ। अकबर जो था अकबर का नाना का भी नाम था, मीर अली अकबर जो था अकबर के नाना जी का नाम था। ठीक है, माता का नाम हमीदा बानू बेगम। 1553 में शेरशाह के उत्तराधिकारी इस्माइल शाह के मृत्यु के बाद ठीक है अफगान साम्राज्य विघटित हो गया। अब 1555 में दो लड़ाई होगा, ठीक है, मछीवाड़ा की लड़ाई होगा, सरहिंद की लड़ाई होगा। मछीवाड़ा और सरहिंद की लड़ाई जीतने का हुमायूं फिर से दिल्ली के सत्ता पे काबिज होता है, क्योंकि 1553 में इस्माइल शाह का मृत्यु हो जाता है, क्योंकि शेर शाह का पुत्र भी था उसका उत्तराधिकारी भी था। अब 1553 में जब इस्माइल शाह की मृत्यु होती है तो सूर साम्राज्य मतलब अफगान साम्राज्य पूरी तरह छिटबिट हो जाता है, तो कोई संभालने वाला नहीं रहता, तो यही मौका मिलता है किसको, यही मौका मिलता है हुमायूं का। हुमायूं भारत की सत्ता पे हमला करता है, इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है बैरम खान करता है। कौन करता है, बैरम खान। बैरम खान की सहायता से हुमायूं फिर से हिंदुस्तान की सत्ता को जीत लेता। बैरम खान हुमायूं का सबसे विश्वासी व्यक्ति में से एक था, इसीलिए अकबर का उसको एक तरह से राजनीतिक गुरु उसको नियुक्त करके गए थे मतलब हुमायूं। ठीक है, अकबर का लंबा समय जो था बैरम खान के नेतृत्व में बीता था। ठीक है, तो 1555 में लुधियाना के निकट मछीवाड़ा नामक स्थान, पूछता है मछीवाड़ा स्थान पर मुगल एवं अफगानों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अफगान बुरी पराजित हुए, परिणाम स्वरूप संपूर्ण पंजाब में मुगलों का अधिकार हो गया। तो 1555 में मछीवाड़ा, फिर 1555 में सरहिंद होगा। मछीवाड़ा के पराजित होने के बाद सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच सरहिंद में युद्ध हुआ, इस युद्ध में हुमायूं की विजय हुई और मुगलों की सत्ता पुनः मतलब स्थापित हो गई। तब मुगल फिर से सत्ता स्थापित करने के दो लड़ाई करेंगे, एक आपका मछीवाड़ा तो दूसरा सरहिंद। इस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाएंगे, तो बैरम खान। कौन निभाएंगे, बैरम खान। इसी लड़ाई में मतलब बैरम खान क्या करता है ना, एक सैनिक की हत्या कर देता है, ठीक है, जिसका बेटा जो था बैरम खान की हत्या करके उसका बदला लेता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बैरम खान जब अकबर से नाराज होके दोनों के बीच में मतभेद हो जाता है, तो जब मतलब कहाँ जाते हज की ओर जाते रहते, हज की यात्रा करके जब लौट रहे होते हैं ना, तो एक मतलब व्यक्ति उसका हत्या कर देता है, बैरम खान का नाम मुझे अभी भूल रहा हूँ, वो मछीवाड़ा या फिर सरहिंद के लड़ाई में मारा गया सैनिक का पुत्र होता है वो। ठीक है, अब इसी पे कमेंट करते हुए लेनपुन ने कहा, क्योंकि भाई साहब देखो 1556 में, 1555-56 में जब इसको गद्दी फिर से जब मिली तो गद्दी का सुख नहीं भोग पाया। ठीक है, 1556 में मात्र 1 साल ही गद्दी का अशोक हुआ, 1 साल से भी कम समय, और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो लेनपुल महोदय लिखते हैं हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कि हुमायूं जीवन में लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी, थोड़ा शराब वगैरह पीता था तो सीढ़ी पे से गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है नशे के हालत में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, समझ गया ना, इस तरह से हुमायूं जो था निकल लिया। अब बीच में कौन शासक है हुमायूं के बाद मुगल साम्राज्य में, शेर ससुरी हुमायूं के बाद कौन आएंगे, शेर शाह सूरी। सर, नहीं सर, वो नहीं, हिमायू जो है ना लाइब्रेरी में वो पढ़ाई करता था, वो लाइब्रेरी के सीढ़ी से जो है ना अच्छा वो
पढ़ते पढ़ते अच्छा, गिर गया, पढ़ाई तो करते कि कभी पढ़ते वही पढ़ते गिर ना, गया? वही नहीं, तो मुझे हुआ भी जो पढ़ा पढ़ाई था। करके निकल रहे थे ना, तो वो सीढ़ी से गिर गए। अच्छा, आप देखने गए थे ना, नशा के हालत में गिरा था वो, ठीक है, शराब सर बहुत बुक पीता में था, देखे थे, आई थिंक कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सारे के सारे मुगल जो थे पियक्कर थे, ठीक है, इसको छोड़ के, पता नहीं औरंगजेब पढ़ा को के छोड़ किस के, किताबें किस वजह औरंगजेब को से छोड़ गिरे के, थे, सर सारे के आपको सारे मुगल जो थे पियक्कर थे, बहुत ज्यादा शराब पीते थे। जागीर तो इतना ज्यादा सुना चुका पियक्कर हूँ था, सर। जागीर जो था ड्रग्स का नशा करता था, उसे परेशान होकर उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर लिया था, पता है, ड्रग्स का नशा करता था, ड्रग्स से नशा से उसकी पत्नी इतनी परेशान हो गई थी, ठीक है, उसकी पत्नी जो थी राजपूत, राजकुमारी जो थी, राजपूत से शादी हुआ था इसका, जहांगीर का, जो कि इसकी भतीजी थी, क्या नाम है इसका, अकबर के पत्नी कौन थी राजपूत, जिनकी पति क्या बोलते हैं उनको, जोधा भाई, जोधा भाई की भतीजी थी, उसने आत्महत्या कर लिया था, ठीक है, जहांगीर की वजह से। चलेंगे, आप चलेंगे शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी कब से कब तक शासक रहा? 40 से 45, 1540 से लेके पंद्रह 1500 सौ 45 तक, ठीक है, ध्यान में पैतालीस रखेंगे, ठीक है। बात 5 वर्षों तक शासक रहे, लेकिन अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाने जाते हैं। शेरशाह के बचपन का नाम की बात करेंगे, फरीद खान था, इनका जन्म नारनौल में हुआ था, उस समय दिल्ली का शासक बात करेंगे बहलोल लोधी थे, ठीक है। शेरशाह का पिता का नाम था हसन खान, हसन खान जो थे जनपुर का एक छोटा जागीरदार था, दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने उसे एक शेर मारने के उपलक्ष्य में शेर खान की उपाधि दी थी। पूछा जाता है शेर खान को, शेर शाह को शेर खान की उपाधि किसने दी थी, किसने दी थी, तो बहार खान लोहानी ने दी बहार थी, किसने दी खान थी, लोहानी, बहार खान लोहानी ने दी थी। अपने पुत्र जलाल खान का संरक्षक नियुक्त किया था, ठीक है, जलाल खान का संरक्षक किसे नियुक्त किया गया था, शेर खान को। शेर खान ने चंदेरी के युद्ध में मुगले की ओर से लड़ा था, ठीक है, चंदेरी के युद्ध जो था, चंदेरी के युद्ध में मुगल के साथ लड़ा था, कौन, शेर शाह, और यहाँ पे मुगलों की कमजोरी उसने देखी थी, और उसी समय इसने कहा था अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से खदेड़ दूंगा, ठीक है। चंदेरी के युद्ध जो था 1529 में हुआ था, बाबर किसके खिलाफ चंदेरी के युद्ध में लड़ रहा था, नहीं रहा मेदिनी राय के खिलाफ, ठीक है, नहीं मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद की बात कर, बहार खान लोहानी की मृत्यु के बाद शेर खान ने उसकी विधवा दुद्दू बेगम से विवाह कर लिया। इस चंदेरी प्रकार वह 28 में दक्षिण सर, बिहार का, हाँ, चंदेरी 28 में, अट्ठाईस 28 में, 1527 में खांडवा, 28 में चंदेरी, 29 में घाघरा सर, घाघरा, और घाघरा 30 में पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, मर गया, ठीक है, पानी पिया, पानीपत, खाना खाया, खानवा, अट्ठाईस चल दिया, चंदेरी, घर गया, घाघरा, मर गया, बाबर का कहानी समाप्त, ठीक है। तो चलेंगे मोहब्बत की बात करेंगे, बहार खान लोहानी की मृत्यु के बाद शेर खान उसकी विधवा जो है दुद्दू बेगम से विवाह कर लिया, जब विवाह कर लिया तो दक्षिण बिहार का वो शासक बन गया, ठीक है, रेडीमेड एक पुत्र मिल गया जिनका नाम क्या था, जलाल खान, ठीक है। आगे चलेंगे, शेर खान ने अपने प्रबंध काल में योग्य एवं विश्वास पात्र व्यक्तियों के भर्ती किया। 1529 में शेर खान महमूद लोधी की ओर से घाघरा के युद्ध में भाग लिया था, किंतु अफगानों को पराजय हुई, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 1529 में घाघरा के युद्ध में फिर से पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, अफगानों की ओर से, पहले के बाबर के साथ भी लड़ा था, ठीक है, चंदेरी के युद्ध में बाबर के साथ लड़ा, घाघरा के युद्ध में, ठीक है, घाघरा के युद्ध की बात करेंगे तो महमूद लोधी की ओर से लड़ा, लेकिन इसमें क्या हुआ, अफगानों की पराजय हो गई, ठीक है। ये महमूद लोधी को साथ इसलिए देता था से अगला अफगान शासक जो था इनको नियुक्त कर दिया जाए, ठीक है, लेकिन इस युद्ध में क्या होता है, अफगानों की मतलब पराजय होती है। अब 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के उपरांत शेर खान ने हजरते आला की उपाधि धारण की, कौन सा, कौन सी उपाधि, हजरते आला, अल्लाह हजरते आला की उपाधि किसने धारण की, शेर शाह ने, ठीक है, किसे, बंगाल के अल्लाह शासक नुसरत शाह को पराजित करने के बाद। आप चलेंगे 1530 में, 1530 में चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा, ठीक है, लॉर्ड मल्लिका से विवाह करके न केवल चुनार के शक्तिशाली किले पर अधिकार कर ले, वरन बहुत अधिक संपत्ति भी प्राप्त हुआ था। तो 1530 में दूसरा विवाह किया, ताज खां की विधवा जो थी लॉर्ड मल्लिका, ठीक है, ताज खां कौन था, तो ताज खां किलेदार था, कहाँ का किलेदार था, तो ध्यान में चुनार का किलेदार था, ठीक है, तो चुनार के किलेदार की पत्नी ताज खां की विधवा लॉर्ड मल्लिका से विवाह किया, और साथ में इसको क्या हुआ, चुनार का इसको किला मिल गया। चुनार कहाँ पे पड़ता था, बनारस के पास जगह पड़ता है, चुनार है, छोटा सा जगह है, ठीक है, लेकिन बहुत ही सामरिक दृष्टि पे चुनार का किला जो था ना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्यों, क्योंकि ये दिल्ली को कंट्रोल करता था, ठीक है, दिल्ली जाने वाले रास्ता में ही था, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
अभी भी जाएंगे तो चुनार होते हुए दिल्ली जाता है, ठीक है, जैसे पकड़ेंगे ना ट्रेन तो चुनार होते हुए, चुनार छोटा सा जगह रुकता है वहां पर गाड़ी। शेर खान ने दोहरिया के लिए 1532 में महमूद लोधी का साथ दिया था, परंतु कोई भी महत्वपूर्ण योगदान नहीं था, ठीक है, दोहरिया का युद्ध में, ठीक है, महमूद लोधी किसके खिलाफ लड़ रहा था, दोहरिया का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? हुमायूं महमूद लोधी या हुमायूं के बीच? और महमूद के बीच, शेर खान के बीच। हुमायूं और महमूद लोधी। देखेंगे शेर खां, हाँ बिल्कुल हुमायूं और महमूद लोधी, ठीक है ध्यान में रखेंगे, ठीक है, परंतु वह कोई योगदान नहीं दे पाया था, ठीक है ध्यान रखें, कोई योगदान नहीं दे पाया था, ठीक है ध्यान में रखेंगे, ठीक है, परंतु वह कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे पाया। शेर खां सोचता था कि महमूद लोधी के पतन के बाद वह अफगानों का नेता के रूप में उभर सकता है, जो बात मैंने उसको बताया, लेकिन इसलिए सदैव पूरी इच्छा शक्ति के साथ अफगानों का साथ नहीं दिया था, ठीक है ध्यान रखेंगे, क्योंकि उसको लगता था भाई साहब अफगान का पतन होगा तो अगला अफगान नेता यही होगा, इसलिए कभी भी मन से मतलब उसने अफगान का साथ नहीं दिया। 1534 में शेर खान ने सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल का योग्य शासक महमूद शाह को 13 लाख दीनार देने के लिए विवश किया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1529 में, 1534 में शेर खान ने सूरजगढ़ के युद्ध में, ठीक है, बंगाल के अयोग्य शासक महमूद शाह को 13 लाख दीनार देने के लिए मतलब क्या किया, विवश किया, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। चौसा के युद्ध था 1539 में, हुमायूं को पराजित करने का उसे शेर शाह की उपाधि धारण की, अपने नाम का खुदवा पढ़ाया, अभी सिक्का भी चलवाया, ठीक है 1539, लेकिन मुख्यतः विजय कब मिलती है, 1540 में हुमायूं ने कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में परास्त करके दिल्ली का सिंहासन मतलब क्या किया, प्राप्त किया। इस प्रकार उसने 1540 ईस्वी में उत्तर भारत में सिख सूरबंश अथवा द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, दूसरा अफगान समाज की, अफगान साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है, शेर खान को जाता है, ध्यान में इसे रखेंगे, और ये कब हुआ था, 1540 में हुआ था, कब हुआ था, 1540 में हुआ था, ठीक है, तो 1539 का युद्ध, 1540 का युद्ध शेर शाह सूरी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। शेर शाह ने सिंहासन पर अधिकार कर लेने के बाद उत्तर पश्चिम को से मुगलों का प्रवेश को असंभव बनाने के लिए सबसे पहले प्रथम पश्चिमोत्तर अफगान सीमा पे, कौन हाँ था? प्रथम अफगान साम्राज्य कौन था, क्या था, मतलब किसका? बिहार में तो बना था अफगान साम्राज्य, ये सब क्या नाम है इसका, दो बताओ। लोदी वगैरह जो थे, ठीक है, महमूद लोदी वगैरह तो अफगान ही तो थे, बिहार का शासक जो महमूद लोदी वो भी अफगान था, ये अफगान वंश के बहुत सारे शासक रहे थे, लेकिन दूसरा अफगान वंश जो था शेर शाह सूरी के द्वारा स्थापित किया जाता है, ठीक है बिहार में, ठीक लोधी है, अफगान था। बिल्कुल महमूद लोधी अफगान था, बिहार का जो शासक था महमूद लोधी अफगान था। शेर शाह ने सिंहासन पर अधिकार कर लेने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर मुगलों के प्रवेश को संभव बनाने के लिए सबसे पहले पचमत्तर सीमा पर स्थित मुगलों के वफादार गोखरों पर, ठीक, गोखरों पर आक्रमण किया और उसे मतलब जीत लिया, किंतु शेर शाह सूरी पूर्ण रूप से गखरों को न समाप्त कर सका और वह बाद में शेर शाह, वो बार तक शेर शाह का विरोध करते रहे। शेर शाह अपनी उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए वहां पर रोहतास गढ़नामे का सुदृढ़ किला बनवाया और हैबत खान तथा रबास खान के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना का नियुक्त किया। 1542 में शेर शाह का मालवा पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। ये युद्ध जो था ना शेर शाह के सूरी पे एक चरित्र पे धब्बा लगा था, मालवा का युद्ध चरित्र पे धब्बा है, ठीक है, होता है ना एक अच्छे शासक पर चरित्र पे धब्बा होता, तो वह युद्ध जो है मालवा का शासक, मालवा का युद्ध है, ठीक है ध्यान में रखेंगे, क्यों था चरित्र पे धब्बा, देखेंगे 1543 में, ठीक है 1543 में शेर शाह ने रायसीना पे आक्रमण करके, ठीक है, वहां पे वहां के राजपूत शासक पूरनमल को विश्वासघात करके मार डाला। इस आक्रमण के दौरान स्त्री ने जोर के, सॉरी मालवा नहीं, सॉरी रायसीना का युद्ध है, सॉरी मिस्टेक, हालांकि मालवा का युद्ध भी है जो है उसके चरित्र पे मतलब धप्पा है, क्योंकि एक नाचने वाली के लेकर मतलब इसने मतलब आक्रमण किया था, ठीक है, तो दोनों को दोनों युद्ध बोल सकते हैं, ठीक है, एक नाचने वाली स्त्री को लेकर हुआ था मालवा का युद्ध, किसने थोड़ा सा दिमाग से कंफ्यूज है, मालवा था कि कालिंजर था, कंफ्यूज कर रहा हूँ, एक नाचने वाली स्त्री को लेकर था, ठीक है, और एक युद्ध में इसने मतलब क्या किया था, कॉन्स्परेसी किया था, ठीक है, महिलाओं वगैरह बच्चों वगैरह की हत्या कर दी थी, तो रायसीना का युद्ध था, ठीक है, इसमें दिया होगा देख लेंगे, ठीक है। 1543 में शेर शाह ने रायसीना पे आक्रमण करके वहां के राजपूत शासक पूरनमल को विश्वासघात करके मार डाला। पूछा जाता है जब 1543 में रायसीना पे आक्रमण किया तो वहां का शासक कौन था, पूरनमल था, ठीक है, रायसीना की घटना से शेर शाह के चरित्र पे कलंक माना जाता है कि उसने धोखे से अनेक राजपूत स्त्री बच्चों के मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से कुतुब
कुतुब खान ने इतनी शर्म अनुभव किया कि उसने आत्महत्या कर ली। कुतुब खान जो था उसका बेटा था, ठीक है, उसने मतलब क्या किया, आत्महत्या कर लिया। 1544 में शेरशाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पे आक्रमण किया। इस युद्ध में शेरशाह ने कूटनीति का मतलब सहारा लिया, ठीक है। इसी युद्ध में, ठीक है, जत्तार कुप्पा नामक दो सरदार ने बहुत ही वीरता से मतलब लड़ा, जत्तार कुप्पा, और इसी युद्ध में अफगान सेना के छक्के भी छुड़े थे। इसी युद्ध में मतलब शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। किस युद्ध में, किस युद्ध में? मारवाड़ वाला, ठीक है, मारवाड़ पे आक्रमण किया था, जिस समय मारवाड़ पे आक्रमण किया वहां का शासक कौन था, मालदेव था। दो तीन युद्ध यहाँ पे प्रमुख है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखें, 1542 में मालवा पे आक्रमण किया, 45 1543 में रायसीना का पे आक्रमण किया, 1584 में मारवाड़ पे आक्रमण किया। अब मारवाड़ पर जब आक्रमण किया वहां का शासक मालदेव था, ठीक है। इस युद्ध में दो राजपूत सरदार बहुत ही बहादुर चला, जिसका नाम क्या, जत्ता और कुप्पा, ठीक है, ध्यान में, क्या नाम था इसका, जत्ता और कुप्पा, ठीक। अल्हार उदल दो राजपूत सरदार थे यार, अल्हार उदल वो भी दो राजपूत भाई थे, जो कि मतलब यहाँ पे इनका छक्का छोड़ा दिया था। किसका नाम है, अलाउद्दीन खिलजी का। उसी तरह से यहाँ पे जत्ता कुप्पा है, और उसी तरह एक ने छक्का छुड़ा था, अकबर का छत्ता छुड़ा था, उसका नाम क्या था, उसका नाम भूल रहा हूँ, वो भी बहुत ही, जिसका अकबर जो था उसकी वीरता से इतना अधिक प्रभावित हुआ। से आप जाएंगे ना आगरा का ताज किला, आगरा का लाल किला देखेंगे ना, तो बाहर में आगरा के लाल किला में दोनों सरदारों का प्रतिमा बना हुआ है, ठीक है, नाम भूल रहा हूँ। तो दोनों तीन तीन जगह, ठीक है, एक समय अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन था, अल्हा और उदल, ठीक है, यहाँ पे जत्ता और कुप्पा, ये दोनों राजपूत थे, और वहां पर भी है, ठीक है, वहां पर भी दो है, दो भाई ही है, नाम भूल रहा हूँ, ठीक है। अकबर को उसने बहुत ही बुरी तरीके से मतलब अकबर के सेना को बहुत ही बुरी तरीके से पराजित किया, तो मेवाड़ का वो दोनों है, ठीक है। शेरशाह सेना मरवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा था मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। 1545 में, ठीक है, 1545 में, ठीक है, शेरशाह ने कलिंजर पे अपना अंतिम आक्रमण किया, जिसका शासक कीरत सिंह था, ठीक है। ये नाचने गाने के लोगर होगा, कहा जाता है कि शेरशाह ने कीरत सिंह की एक नाचने गाने वाली दासी को हथियाना चाहता था, जिसे कीरत सिंह ने देने से इनकार कर दिया। इसके अतिरिक्त कीरत सिंह ने रीवा के राजा बिरभान बघेला को शरण दिया था। इस अभियान के दौरान जब वह उक्कानामा अग्नेशा चला रहा था, तो उसी दौरान किले की दीवार से गलगोला मतलब रिटर्न कर गया, आकर पास रखे बारूद के ढेर में गिरा, और इससे आग लग जाने से उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह ने मेवाड़ मारवाड़ को छोड़कर अन्य राजपूत राजाओं को उनके राज्य से वंचित नहीं किया, वरन उनके अधीनता स्वीकार करके उनके राज्य को वापस कर दिया। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, शेरशाह ने मारवाड़ को छोड़कर, केवल मारवाड़ को ही उसने अपना अधीनता स्वीकार करवाया, मतलब उसने उसको पराजित किया था, उसके राजपूत राजाओं को मतलब वंचित कर दिया था, बाकी जितने भी राजपूत राज्य थे सबको अधीनता स्वीकार करवाया और उनके राज्य को वापस करवा दिया। लेकिन मारवाड़ के संदर्भ में ऐसा नहीं है। शेरशाह ने बंगाल जैसे दूरस्थ में धानी सूबे में विद्रोह की आकांक्षा को समाप्त करने के लिए संपूर्ण बंगाल सरकारों को बांटकर प्रत्येक एक सिकेदार नियुक्त किया। संपूर्ण बंगाल राज्यों को बांटकर उसको सरकार में बांट देता है, ठीक है, सरकार सपोर्टेड लाइक जिला, और वहां पर मतलब प्रत्येक सरकार के लिए एक सिकदार को नियुक्त किया। सिकदारों की देखभाल के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीन ए बंगला तथा एक अमीर ए बंगाल, ठीक है, अमीन ए बंगाल और अमीर ए बंगाल को नियुक्त किया। जो सबसे पहले ये पद, ठीक है, काजी फली, किसका नाम है, काजी फली फजीलात को जाता है। अमीर ए बंगला का पद सबसे पहले किसे दिया, काजी फजीलात को। किसे हेल्प करता था, तो सिकेदार को हेल्प करता था, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे प्रशासन, देखेंगे शेरशाह सूरी के प्रशासन, ये प्रशासन के लिए जाने जाते हैं क्योंकि इनका शासक 40 से लेकर 45 था, 5 वर्षों के अल्प शासक में, ठीक है, ये अपने प्रशासन के लिए ही जाने जाते हैं मुख्यतः, ठीक है, क्योंकि शासन का काल बहुत कम था, लेकिन प्रशासन के लिए, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इनको मुख्यतः याद किया जाता है, ठीक है, जो कि कल के क्लास में हम लोग देखेंगे।